राधे राधे एवरीवन, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड में शुरुआत होगी। सभी श्री कृष्ण की रानियां उनकी सेवा कर रही होंगी और यहां पर सभी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने अपना खूबसूरत तरीके से श्री कृष्ण को आनंद देने की कोशिश कर रही होंगी और इसी में सुबह हो जाती है। राधा यहाँ पर कहती हैं कृष्ण की ओर आते हुए, आज तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई होगी ना, क्योंकि तुम्हारी अष्ट भार्यों ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। कृष्ण कहते हैं कि सत्य कहा, आप सब ने इतनी अच्छी सेवा की है कि मुझे गहन निंद्रा आ गई थी। राधा कहती हैं कि पता नहीं नारद मुनि कहाँ चले गए हैं, तुम्हारी अष्ट भार्यों ने कितनी सेवा की है, तुम्हारी ये सेवा देखना चाहिए था उन्हें। कृष्ण कहते हैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि न जाने नारद मुनि कहाँ चले गए हैं। तभी नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि द्वारिका में श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करते हैं और कहते हैं मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो श्री कृष्ण के लिए खास भोजन का प्रबंध करने के लिए गया था। मैं जब यहाँ आया तो आप सब इतनी सुंदर सेवा कर रहे थे श्री कृष्ण की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी श्री कृष्ण की सेवा में कुछ कर दूँ। और ये देखिए मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, मेरे प्रभु की अत्यंत प्रिय खीर है ये मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। यहाँ पर नारद भगवान खिला देते हैं खीर अपने हाथों से, जिसे खाकर श्री कृष्ण कहते हैं अत्यंत स्वादिष्ट है। मनी मन कहते हैं श्री कृष्ण नारद मुनि से कि बताइए आप कहाँ गए थे। तो नारद मुनि कहते हैं आपको क्या लगा था प्रभु कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। कृष्ण कहते हैं आप तो मेरे परम भक्त हैं, आप कैसे भाग सकते हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि जब प्रभु ने मुझे ये दायित्व दिया था तब मैं मंथन में चला गया था और मैंने मंथन किया और मैंने ये उपाय ढूँढा है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, किंतु कोई है जो सदैव मेरे पक्ष में रहती हैं और हमेशा वो मेरी सहायता भी करती हैं और वही इस चुनाव में मेरी सहायता करेंगी। और प्रेम के विषय में देवी राधा से अधिक कौन जान सकता है, इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी तरफ से श्री राधा ही हैं जो अष्ट भार्यों में से श्री कृष्ण की अर्धांगिनी का चयन करेंगी और अश्वमेध यज्ञ में कौन बैठेगा इसका निर्णय श्री राधा करेंगी। ये सुनकर राधा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और सभी अष्ट जो भार्य होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि आप सब में से किसी को कोई आपत्ति है, क्या आप सब इस मेरे विचार से सहमत हैं। तो तब इस सारी अष्ट भार्य कहती हैं कि हाँ हाँ हम सहमत हैं। राधा कहती हैं कि आपने तो मुझे परेशानी में डाल दिया। कृष्ण मनी मन कहते हैं कि नहीं राधा, तुम्हें ये चयन नहीं करना चाहिए और तुम इस कार्य के लिए मना कर दो, लेकिन किसी की बातों में मत आना। नारद मुनि कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चयन सिर्फ और सिर्फ श्री राधा को ही करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर श्री राधा से अधिक प्रेम के बारे में कोई और जानता नहीं है और प्रेम की पारख करनी है तो श्री राधा से अधिक इस काम के लिए उचित कोई और हो ही नहीं सकता। एक एक करके सारी अष्ट भार्य श्री राधा को फोर्स करती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ राधा इस काम के लिए हाँ कर दो राधा तुम ही उचित हो वगैरह वगैरह। श्री कृष्ण यहाँ पर बार बार श्री राधा से मना करते हैं, लेकिन राधा अंततः कहती हैं कि मैं ये प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ और मैं ये भार उठाने के लिए सच हूँ। वहाँ दुखाया जाएगा कि श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएंगे श्री राधा के इस स्टेप से, लेकिन बात यहीं रफा दफा हो जाएगी। उधर द्वारिका में नारद मुनि घूम रहे होंगे और कहेंगे कि हे सूर्यदेव, इतनी तीव्र धूप है, इतना ताप है, लेकिन मैं भी यहाँ खड़ा रहूँगा जब तक कि अश्व का प्रबंध नहीं हो जाता। तभी वहाँ पर एक घोड़ा आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ पर जो घोड़े के साथ में व्यक्ति होता है वो कहता है ये युवराज साम का अश्व है, और ये सुनकर नारद मुनि उदास हो जाते हैं। वहाँ पर कैलाश में बैठी गौरी माता महादेव से कहती हैं कि महादेव, क्या श्री कृष्ण कम है जो आप भी नारद मुनि के साथ छल कर रहे हैं। महादेव कहते हैं कि छल नहीं है, उचित समय की प्रतीक्षा है। मैंने नारद मुनि का मन रखने के लिए यूं ही बोल दिया था कि मैं उनको अश्व दूंगा, लेकिन जब श्री राधा भगवान कृष्ण को मना लेंगे अश्वमेध यज्ञ के लिए तो भला उनके लिए इस संसार में अश्व की कमी है क्या। तभी गौरी माँ कहती हैं कि लेकिन श्री कृष्ण कैसे ये सब कर सकते हैं, मुझे तो लगता है श्री कृष्ण के साथ साथ आप भी उन्हीं के जैसी लीलाएं करने लगे। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं ना तो श्री कृष्ण मेरी बात सुन रहे हैं और ना ही महादेव सुन रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने हट पर अड़ा रहूँगा और यहीं खड़ा रहूँगा। तभी कृष्ण पीछे से आते हैं और कहते हैं मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, सत्य है, किंतु भोलेनाथ तो सभी की बात सुनते हैं और आप
तो नारद मुनि हैं आपके लिए, तो क्या असंभव हो सकता है। जैसे ही नारद मुनि श्री कृष्ण को पीछे मुड़कर देखते हैं, वो देखते हैं कि कृष्ण के साथ में एक सफ़ेद रंग का घोड़ा खड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, श्री कृष्ण, ये अश्व मैंने ढूंढा है। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, मैं तो प्रसन्न हो गया कि आप स्वयं यज्ञ का प्रबंध में हिस्सा ले रही हैं। कृष्ण कहते हैं, अब तो अश्वमेध यज्ञ होगा ही, जाइए, जाकर के सबको घोषणा कर दीजिए, सब यहाँ पर एकत्रित हो जाएं, ऐसा सबको आदेश दीजिए। सारी रानियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि अश्व मिला या नहीं मिला। तभी वहाँ पर राधा कहती है कि महादेव और देवी पार्वती के आशीष से अश्व का इंतज़ाम भी हो गया है और श्री कृष्ण भी अश्वमेध यज्ञ के लिए सज्ज हो गए हैं। अपने कृष्ण को उसके जन्म अवसर पर मैं ये भेंट देना चाहती थी, जो कि पूर्ण हुआ। तभी वहाँ पर सभी रानियाँ घोड़े का सम्मान करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वहाँ साम घोड़े को कान में बात कर रहा होता है कि याद रखना, तुम्हें अगर वापस आना है तो तुम्हें चयन सिर्फ और सिर्फ मेरी माता का ही करना होगा, अन्यथा तुम अश्वमेध यज्ञ के लिए लौट कर आ ही नहीं पाओगे। यहाँ पर सारी रानियाँ अश्व की पूजा करने के लिए सज्ज हो जाती हैं। जैसे ही राधा अपना कदम बढ़ाती हैं, राधा को श्री कृष्ण रोक देते हैं और कहते हैं कि राधे, अश्व की पूजा तुम मत करना, तुम ये कार्य करोगी तो अष्टभार्यों का चयन कौन करेगा। राधा ये सुनकर बहुत उदास हो जाती हैं और साम भी देखकर हैरान होता है और कहता है कि क्या बात है, आज पहली बार पिताश्री ने श्री राधा को किसी कार्य करने से रोका है, अति उत्तम। राधा कहती हैं उदास होकर कि हाँ कृष्ण, तुम उचित कह रहे हो, वैसे भी वास्तविक में अधिकार तो अष्टभार्यों का है। यहाँ पर सुंदर सी पूजा होती है जहाँ पर घोड़े को सुसज्जित किया जाता है, उसे सारे आभूषण और उसकी वेशभूषा पहनाई जाती है और घोड़े को तैयार किया जाता है। यहाँ पर नारद मुनि घोड़े को तैयार करने के बाद ऐलान करते हैं कि ये अश्व द्वारकाधीश श्री कृष्ण का अश्वमेध यज्ञ का अश्व है और इसे विचरण करने के लिए मुक्त किया जाता है। ये अश्व जब तक निर्बद्ध रूप से विचरण करता रहेगा, जो राज्य जो क्षेत्र श्री कृष्ण के अंदर आएगा, इस राज्य को अश्वमेध यज्ञ के दौरान ही अपने अंदर किया जाएगा, लेकिन जो राज्य इस अश्व को रोकेगा या अंततः उसको हानि पहुंचाएगा, उस राजा को श्री कृष्ण से युद्ध करना होगा। जिस समय ये लौट आएगा उसी समय हम यज्ञ का भी प्रबंध कर लेंगे और इसी बीच श्री राधा भी अष्ट भार्यों में से किसी एक का चयन कर लेंगी। नारद मुनि कहती हैं कि अब यहाँ यज्ञ हुआ और वहाँ तीनों लोक में मेरी जय जयकार हुई। तभी श्री कृष्ण आते हैं और उनके मन की बात जान लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा, आप जय जयकार की बात कर रहे हैं। तभी नारद मुनि जहाँ से थोड़ा सा शक पका जाते हैं और कहते हैं, अरे प्रभु, आप तो सब जान लेते हैं। तभी राधा बहुत ज़्यादा उदास होती हैं। नारद मुनि उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि श्री राधा, मैं जानता हूँ कि आप इतनी ज़्यादा उदास क्यों हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने आपको अश्व पूजन करने से मना कर दिया। यहाँ राधा कहती हैं कि हाँ, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर बात होगी, इसीलिए ये चिंता मुझे नहीं है। राधा कहती हैं, मुनिवर, कृष्ण और मेरा जो संबंध है वो अत्यंत विशेष है। राधा कहती हैं, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढूंगी कि कैसे अष्टभार्यों का चयन करना है। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैंने आप दोनों की बात में खलल डाल दिया। राधा से कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आप सब मेरे लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना इस यज्ञ में अपना योगदान दूँ और मैं कल उपवास रखना चाहता हूँ। राधा ये सुनकर हैरान होती हैं, कहती हैं, तुम उपवास रखोगे कितना कुछ खाए बिना? कृष्ण, अब तुम्हारे समर्पण को देखते हुए मैं भी यहाँ पर तुमसे यही कहूँगी कि अगर तुम व्रत रख रहे हो तो सोच समझ के रखना। जैसे ही सारे अष्टभार्यों को ये पता चलता है कि कृष्ण ने उपवास रखा है, तो वो कहती हैं कि हम भी उपवास रखेंगे। और ये सुनकर नारद मुनि और राधा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर नारद मुनि आराम कर रहे होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं और सोचते हैं कि अब तो हर जगह मेरी जय जयकार होगी, जो मैंने कहा था वो कर दिखाया। उधर श्री कृष्ण अपने कक्ष में सो रहे होते हैं और कहते हैं, नारद मुनि, आप चाहें जो कुछ भी योजना बना लें, लेकिन कल इस कथा में एक नया मोड आने वाला है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सिरसियापा को सब्सक्राइब जरूर करें।